अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान ने आयरलैंड के अगेंस्ट जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, मोरलेस वही स्क्वाड आपका वर्ल्ड कप का होगा। कुछ इसमें रद्दबदल हो सकती है, बट एज आई सेड कि भाई मोर और लेस ये स्क्वाड आपका हो सकता है। तो हमने देखा उस पर कल डिस्कशन किया था कि आयरलैंड सही है नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई वही दोस्ती यारी पे मबनी ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है, कोई कह रहे हैं मेरिट का कत्लेआम है, और भी खैर बहुत सी बातें हो रही हैं। पर खैर हमने यही यहाँ पे बात की थी कि एक्सेप्ट हसन अली, आई थिंक जो बकिया टीम है दैट्स ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट बिकॉज, और मोहम्मद हारिस के हवाले से भी जो बहुत सी बातें हो रही हैं, उस हवाले से भी मैं यही कहूँगी कि भाई मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंसेज इतनी नहीं है। सो क्वेश्चन यही है कि भाई जो हमारे हसन अली साहब हैं उनकी भी इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं है। बट वही बात है कि भाई हसन अली के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि भाई मतलब इट शुड नॉट बी एंड ही शुड नॉट बी इन स्क्वाड। तो इसके अलावा आई थिंक बाकी स्क्वाड सही है। एंड हारिस के हवाले से भी जो बात हो रही है, तो हारिस इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज आई सेड यस्टरडे कि भाई ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एंड आई डोंट थिंक ही डिजर्व टू बी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको कम्प्लीटली ड्रॉप कर दो, यू कैन गिव हिम चांस इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इफ़ ही परफॉर्म वेल देयर सो यू कैन डेफिनेटली है कि आप दोबारा उसको रिकॉल कर सकते हो फॉर पाकिस्तान टीम। एंड इसके अलावा भाई बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया की तरफ से भी प्लेयर्स है कि अपनी जो आ रहा है उनका इजहार करते हैं। अगर आपको याद हो कि मोहम्मद हारिस भी ज्वाइन द PSL भी उनके इसी तरीके के स्टेटमेंट्स हैं कि T20 में ओपनिंग करना आसान है, दिस एंड दैट एंड ऑल। तो आई थिंक ओपनिंग करना अगर आसान है, मैंने जब भी यही बात की थी कि मोहतरम को जब PSL में चांस मिला था फॉर पेशावर ज़ल्मी, जब एक आधे मैच में बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे और एक आधे मैच में साइन जल्दी आउट हो गया था, एंड उन दोनों मैचेस में आपके मोहम्मद हारिस पहले ही ओवर में मौजूद थे क्रीज पे। दैट्स मीन्स के मतलब वही है कि एक विकेट डेफिनेटली गिरी हुई थी, बट उस वक्त उनका काम एज एन ओपनर ही था। तो एज एन ओपनर ही हैज़ नॉट परफॉर्म रियली वेल। एंड एज आई सेड कि भाई एमर्जिंग एशिया का बेशक उन्होंने एज कैप्टन विन किया है, बट वहाँ पर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सो आई एम नॉट डिफेंडिंग, बट मैं यही कह रही हूँ कि भाई जो हारिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि भाई इस तरह से हो गया, इनजस्टिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये गलत बात है। एंड आज़म को आपने चांस दिया तो डेफिनेटली आज़म की परफॉर्मेंसेज अभी PSL में हैं। अगर आप देखें तो PSL में आपके जो मोहम्मद हारिस है उसमें भी है कि कोई अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। ऑल्थो इतनी अच्छी स्टार्ट मिलती थी, साइमन बाबर इतनी ज़बरदस्त स्टार्ट फराहम करके जाते थे इन PSL फॉर पेशावर ज़मीन, बट स्टिल है कि मोहम्मद हारिस उसको अवेल नहीं कर सकते थे, बल्कि जल्दी आउट होके मज़ीद है कि टीम पर प्रेशर डाल देते थे। सो खैर मोहम्मद हारिस के हवाले से भी यही बात है कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, होती है कि समटाइम्स वो बात सही लगती हैं, समटाइम्स नहीं सही होती। एंड आई थिंक अ प्लेयर शुड कीप क्वाइट, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं कहूँगी कि आपके जो साहिबजादा फरहान साहब हैं उन्होंने भी कल है कि सोशल मीडिया पर किया था, पोस्ट की थी तो सब्र करके कुछ इस तरीके की उन्होंने की थी। और वही बात है कि उनका भी PSL इतना अच्छा नहीं गया, नो डाउट डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा किया, बट वही चीज़ को डिलीवर नहीं कर सके वो इन पाकिस्तान टीम। और इसके अलावा आज जो हमारे उस्मान खालिद साहब हैं उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। PSL की फ्रेंचाइज टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी, बट मोहतरम को लगता है कि शायद पाकिस्तान की एक्चुअल जो नेशनल टीम है उसमें उनकी जगह बन जाएगी। दैट्स व्हाई उन्होंने ट्वीट किया है इन जस्टिस एट इट्स पीक। तो वट इज़ गोइंग ऑन मैन, वट इज़ PCB डूइंग? PCB को चाहिए कि भाई ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो सब इस तरीके की बातें हो रही हैं वाया सोशल मीडिया एंड ऑल, तो इस सबको बंद किया जाए भाई। क्यों उस्मान खादिर इस तरीके की पोस्ट लगा रहे हैं? क्यों आपके जो आपके मोहम्मद हारिस हर बैठ के इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अगर आप मुझे एज एन ओपनर खिलाओ तो मैं भी 50 स्कोर कर दूँ? भाई करके बताओ, करके बताओ। जब फर्स्ट ओवर में आप क्रीज पर मौजूद थे, जब टीम को ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आप करके बताते हर कोई आपको अप्रिशिएट करता, शायद पाकिस्तान की टीम में भी आपकी जगह बनती। हसीबुल्लाह को उन पर फोकियत दी गई बिकॉज हसीबुल्लाह ने भी खैर इतनी ज़्यादा कोई माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस नहीं दी PSL फॉर पेशावर, बट स्टिल वो मोहम्मद हारिस से बेहतर था। दैट्स वाई हमने उसको बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा, बट सॉरी मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बनती लिटरली। एंड अगेन मैं कहूँगी आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ मोहम्मद हारिस एंड वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर एंड आई
मैं हमेशा उनको खैर सपोर्ट करती हूँ, और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि भाई जस्ट गो ऑन योर बेसिक्स एंड इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेस दें डोमेस्टिक वगैरह में तो यू कैन मेक अ कमबैक। एंड इसके अलावा खैर और भी बहुत सी खबरें हो रही हैं कि भाई आयश ने शाहीन को एंड बाबर आजम को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पे, तो भाई इस तरीके की भी कोई वो नहीं है। मैं इतने तो खैर मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है फजूल का कि मैं ये सब देखने जाऊँ, बट स्टिल इससे कोई इतना ज़्यादा है कि वो नहीं होता। एंड आई थिंक शाहीन को तो उन्होंने पहले ही फॉलो नहीं किया हुआ था जहाँ तक मुझे मालूम है, एंड बाबर आजम को स्टिल वो फॉलो कर रहे हैं। सो ये तमाम प्रोपेगेंडा होता है एंड इस पर जो कान हैं वो ना ही चले जाएँ तो बेहतर है। एनी वेज आई थिंक जो पी सी बी मतलब ये जो प्लेयर्स इस तरीके की बातें करते हैं इसको रोकना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। एंड मतलब ये इस तरीके से नहीं चलेगा भाई, लिटरली नॉट एट ऑल। और मज़ीद खैर जो हमारे ए बी डी विलियर्स साहब हैं उन्होंने कहा है, गैरी क्रिस्टन जो चूँकि हमारे कोच बन चुके हैं फॉर द वर्ल्ड कप मैं कहूँगी, बिकॉज वो पाकिस्तान की टीम को ड्यूरिंग द इंग्लैंड टूर ज्वाइन करेंगे। सो वी सेड के मतलब मैं एक चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अंडर गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान की टीम बहुत ही है कि वेल मैनेज टीम नज़र आएगी आपको, तो डेफिनेटली भाई नज़र आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बट वही बात है कि जब पाकिस्तान की टीम वेल ऑर्गेनाइज या वेल मैनेज नज़र आएगी, जब वो मोहतरम पाकिस्तान की टीम के साथ मौजूद होंगे, जब वो पाकिस्तान की टीम के साथ मौजूद ही नहीं होंगे जब वो ड्यूरिंग द इंग्लैंड टूर आपका है के साथ पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करेंगे, तो किस तरीके से वर्ल्ड मैनेजर पाकिस्तान की टीम को कर सकते हैं। यही मेन पॉइंट है, आई एम नॉट अगेंस्ट फॉरेन कोचेज एंड ऑल, बट आप तरीके से टाइम दो, तरीके से टीम के साथ ट्रैवल करो। मतलब इतना ज़्यादा जब आपको पे हो रहा है तो फिर तरीके से आपको है कि अपने जो भी हेड कोच का जो ओहदा है या जो उसके फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने चाहिए, और पी सी बी को इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम करते हैं, हमने पहले मिकी ऑर्थर के हवाले से भी यही किया और गैरी क्रिस्टन के हवाले से भी हम यही कर रहे हैं। सो बस वही बात है कि हमारे यहाँ तो हर चीज़ ही अजीब तरीके की होती है। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।